दोस्तों आज खाली दो आलू से तीन नई रेसिपी बनाने वाले, जो कि बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन खाने में एकदम टेस्टी लगती है, एकदम कम सामान में मिनटों में बन जाती है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शेफ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो पीस आलू ले लिए, इसे हम छील लेंगे। तो अभी दोनों आलू को हमें मीडियम साइज में काट लेना है इस तरीके से, ताकि बॉईल करने में एकदम आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों आलू को मीडियम साइज में काट लिया है। अभी गैस के ऊपर पैन रख के सारे आलू को हमें डाल देना है। करीबन 500 ml जितना मैं पानी डाल रहा हूँ, पानी इतना डाले कि आलू को पूरा कोट कर ले। स्वाद अनुसार हमें नमक भी डाल देना है इसके अंदर, और इसे अभी कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर करीबन 15 मिनट बॉईल करना है। तो करीबन 15 मिनट हो चुके हैं बॉईल करते हुए, चेक कर लेंगे कि हमारे आलू पके कि नहीं पके। तो यहाँ पर मैं एक फोक की मदद से चेक कर रहा हूँ, देख सकते हो आलू हमारे पूरी तरीके से पक चुके हैं। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे चारे के मदद से निकाल लेना है हमें। तो अभी हमें एक स्ट्रेनर लेना है, उसके अंदर आलू डालेंगे एक साथ, पूरे डाले थोड़े थोड़े डाले। तो अभी एक चम्मच की मदद से प्रेस करते रहना है और आलू को अच्छी तरीके से प्रेस करके छान लेना है। तो इसके लिए आपको आलू एकदम परफेक्ट बॉईल करने होंगे, अगर कच्चे रहेंगे तो फिर ये छनेंगे नहीं। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को छान लिया है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे 1 teaspoon जितना, साथ ही 1 teaspoon जितना काली मिरी का पाउडर, 2 से 3 teaspoon जितना कुकिंग ऑयल डाल देंगे, साथ ही मैं 1/3 cup जितना कॉर्नफ्लावर भी डाल दे रहा हूँ। अभी हमें चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके घर पे कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपके जो नाश्ता है वो क्रिस्पी बनने वाला है एकदम। बस जो आलू का मिक्सचर है उसे थोड़ा टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है। तो आज का स्पेशल नाश्ता के लिए यहाँ पर मैं दूध की थैली ले रहा हूँ, इसे दो साइड से कट कर लेगी, जिस साइड से मैंने कट कर लिया है देख सकते हो, एक होल टाइप बना लेंगे। अभी इसके अंदर 1/4 जितना आलू का मिक्सचर डालना है। अभी चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हो और इस तरह का स्ट्रेट लाइन खींचना है। एक और इसी तरीके के वापस से स्ट्रेट लाइन आपको खींच लेना है। अभी दोनों को एक के ऊपर एक रख के क्रॉस में करते जाना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ देख सकते हो, और दोनों साइड से प्रेस कर ले और कट कर ले। तो इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। तो इसी तरीके से मैंने सारे को बना लिया है देख सकते हो। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अभी इसके अंदर फ्राई करने के लिए सारे को डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पर ही रखें और अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है हमें। तो करीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए, देख सकते हो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया और बाहर से एकदम क्रिस्पी भी है। तो इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेना है हमें सारे को, बाहर से एकदम क्रिस्पी है देख सकते हो। सेकेंड रेसिपी के लिए जो मिक्सचर हमने दूध की थैली में डाला था उसको डायरेक्ट तेल में डालते हुए इस तरीके से काट लेना है आपको। बस गैस के फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू हाई रखें और ध्यान से रखें। आप पहले प्लेट में काट कर भी डाल सकते हो, बस डालते टाइम पे हाथ को थोड़ा ध्यान रखें। इसे भी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और अच्छी तरीके से क्रिस्पी ना बने। तो करीबन 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए, देख सकते हो अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आए, चारे के मदद से सारे को निकाल लेंगे। थर्ड रेसिपी के लिए जो आलू का मिक्सचर था उसके मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना दिए थे, वो डाल रहा हूँ फ्राई करने के लिए। तो इसे भी हमें मीडियम टू हाई पे फ्राई कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए फ्राई करना है, ताकि एक साइड से नहीं दोनों साइड से पूरी तरीके से फ्राई हो जाए और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर है। तो हमारे पोटैटो के बॉल्स भी बनके तैयार है, देख सकते हो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया। तो इसे जारे के वजह से निकाल के टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इजी रेसिपी है, खाली 2 आलू की जरूरत है। तो क्या बोलते हो दोस्तों, एक बार तो बनाना बनता है ना। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ में, टेक केयर, बाय बाय, सही होना रहा।